हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ वाइट बिरयानी की रेसिपी। एक पैन ले लेना है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप, घी भी यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हम रफली चॉप प्याज डालेंगे इसमें और इसे बिल्कुल हल्का सा सौते करना, बिल्कुल लाइट पिंक। अगर आप तेल और कम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाटर इसमें मिक्स कर ले ताकि प्याज जल्दी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। अनियन हल्का इसकी लाइट पिंक हो चुकी है, अब इसमें थोड़ी सी हम ग्रीन चिलीज डालेंगे। और थोड़े से काजू, इन सबको डाल के हमें 1 मिनट तक भूनना है। अब हम इस मिक्सचर को एक ग्राइंडर में ले लेंगे। साथ में जाएगा 1/2 कप दही, फेंटी हुई दही ले, और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी सफेद मिर्च और थोड़े से पोस्तू के दाने, जिसे खसखस भी बोलते हैं। इन सबको डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से हम पीस लेंगे, बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेंगे इस मिक्सचर के साथ। चिकन को लेकर अच्छे से साफ कर ले। इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच। साथ में जाएगा गरम मसाला पाउडर, गोलकी पाउडर, इसे काली मिर्च का पाउडर बोलते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल दें उसके साथ, और थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी। धनिया पाउडर का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लें। अब नमक डालेंगे और मिक्स करके मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, और हम चिकन को फ्राई करेंगे। बिल्कुल इस तरह से फ्राई करना है कि दोनों साइड से लाइट गोल्डनिश ब्राउन हो जाए और मसाले भी पक जाए। चिकन को फ्राई करने के बाद हम साइड रख लेंगे और सेम पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। मैंने घी डाला है इसमें, आप भी चाहे तो घी का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा था इसमें डालेंगे और हम भूनेंगे इसे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर ले पेस्ट को धोकर, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक साइड से तेल ना छोड़ दे, घी से प्रेट ना हो जाए, अच्छे से पेस्ट भुन ना जाए। नमक भी हम ऐड कर देंगे इसमें। मसाले अच्छे से भुन गई है, अब हम चिकन ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि चिकन ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर ले। इसमें हम दही डालेंगे 1/2 कप, गाढ़ी दही आप ले। चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसे साइड रख लेंगे। मैंने चावल पहले से पका के ले लिए है, 80% चावल पक गई है, बिल्कुल 1 कनी बाकी है। तो हमें हंसी तरह से हल्का कच्चा चावल लेना है और एक बर्तन में नीचे हम 1 लेयर बिछा लेंगे चावल की। इसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते फ्रेशली काट के और थोड़ी सी लाल हरी मिर्चें डाल लेंगे।
साथ में मैंने थोड़ा सा बॉयल्ड आलू भी यूज़ किए, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अपनी बिरयानी में आलू, या बिना आलू के भी इस बिरयानी को बना सकते हैं। मैंने दूध में थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था, अब इसे हम डालेंगे। साथ में हम चिकन भी स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल हल्की से चिकन स्प्रेड करना है चावल के ऊपर। अब हम चावल की दूसरी लेयर इसके ऊपर डालेंगे और उसी तरह से हमें बार बार प्रिपेयर करना है। एक चावल की लेयर, फिर थोड़े से धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से चिकन और फिर चावल। इस तरह से सारे स्प्रेड कर लेंगे बिरयानी को। ऊपर से मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल किया और थोड़े से प्याज के बरिस्ता, दम कर ले बिल्कुल 10 मिनट अच्छे से और बिरयानी रेडी है। सर्व करें रायता और सालन के साथ। थैंक यू।